मैं डॉक्टर योगेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज का विषय है MHY 113, भारत का राजनीतिक इतिहास, घटनाएं एवं प्रक्रियाएं 1206 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी, भाग एक। इसके अंतर्गत खंड 3 के अंतर्गत इकाई 13 के अंतर्गत अकबर की राजपूत नीति या मुगल और राजपूतों के संबंध के नीति के बारे में बताया जाने के उद्देश्य से आज मेरा पहला क्लास है। तो सबसे पहले क्या था, जब अकबर 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह बनता है, हुमायूं के बाद, मृत्यु के बाद, और 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक रहता है और वो स्थायित्व भारत में शासन देने के प्रयास करता है। तो सबसे पहले क्या था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में जब इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है, हेमू की पराजय होने के बाद अकबर ने भारत में स्थायित्व सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में 1560 ईस्वी के आसपास आते आते राजपूतों से संबंध नीति के उदाहरण पेश करता है। सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति के उद्देश्य या कारण क्या थे। सबसे पहले मुगलों ने क्या किया, जो राजपूत लोग थे, राजस्थान के क्षेत्र में आक्रमण के पीछे क्या था, साम्राज्य विस्तार का मुख्य कारण नहीं था। ये कौन कह रहा है, स्वयं बादशाह कह रहा है कि मेरा मुगलों के क्षेत्र, यानी जो राजपूतों के क्षेत्र में मुगलों का आक्रमण करने के साम्राज्य विस्तार का महत्व कम देता है, क्योंकि वो जानता है यदि पहले ही कह दूंगा तो राजपूत लोग क्या है, पहले से ही सशक्त हो जाएंगे यदि किसी। और दूसरा क्या है, सामाजिक तथा राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोई प्रयास नहीं था मुगल बादशाह का, और इसी उद्देश्य के साथ क्या था, यदि किसी भी सामाजिक और राजनीतिक में क्या है हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाएगा तो सबसे पहले क्या है, वहाँ के लोग अपने आप को क्या है सशक्त बनाना प्रयास कर देंगे। तो उसका प्रमुख उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को सुदृढ़, यानी विस्तार करना था, सुदृढ़ीकरण, स्थायित्व देना था। अभी तक जो उसके पूर्वज थे, चाहे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो या हुमायूं हो, अपने साम्राज्य को क्या है स्थायित्व नहीं दे पा रहे थे। अकबर ऐसा शासक था जो स्थायित्व दे सके, तो उसका यही मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 ईस्वी में, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले क्या था, विश्वस्त मित्रों की तलाश, यानी अभी तक क्या था मुगल साम्राज्य में विश्वास पात्र क्या थे, अमीर थे लेकिन मित्र नहीं थे। जो उज्बेक सरदार थे मुगल साम्राज्य में, जो अमीर के पद पर नियुक्त होते थे, मनसब दिया जाता था, वो क्या था, उज्बेक ये जानते थे कि अकबर के प्रति वो क्या है अपने आप को उन समर्पित नहीं कर रहे थे। अकबर भी यह जानता था, इसीलिए अकबर सबसे पहले क्या था विश्वास मित्रों की तलाश में था। और राजस्थान में शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को उभरने देना, यानी दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ राजपूतों का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर क्या है राजपूतों की शक्तियों की प्रतिद्वंदिता को भरने न दिया जाए। यदि किसी साम्राज्य में या किसी राज्य में यदि दूसरी शक्ति उभरती है तो पहले साम्राज्य को क्या है हानि होने लगती है। इसीलिए अकबर क्या है राजपूतों को क्या है शक्तिशाली होने से रोकता है। और किसी भी साम्राज्य को यदि विकास करना हो, व्यापार को बढ़ावा देना हो, तो क्या है उस समय के समुद्र मार्ग सबसे सुगम मार्ग माना जाता है। स्थल मार्ग क्या होता था, अवरुद्ध होता था। स्थल मार्ग में कई घटनाएं होती थी, युद्ध हो जाता था, उस सामान को लूट लिया जाता था, लेकिन समुद्र के मार्ग से क्या है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जा सकता है। तो दिल्ली से क्या है, जब दिल्ली का बादशाह बनता है अकबर, तो 1560 ईस्वी के आसपास क्या है गुजरात के बंदरगाहों तक जाने के लिए एक सुगम मार्ग का निर्माण करवाता है। यदि मार्ग सुसज्जित रहेंगे तो आवागमन भी आसान हो जाएगा व्यापारियों के लिए,
अन्य के लिए, आम इंसान, आम जन के लिए क्या है, मार्ग पर जाने के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली सल्तनत में क्या है, सबसे पहले इस कार्य को क्या किया था, जो सुगम मार्ग बनाने के लिए व्यापारियों को बलबन ने किया था, बलबन के बाद अलाउद्दीन खलजी ने किया, अन्य सुल्तान ऐसे करे। तो मुगल साम्राज्य की जब स्थापना होती है, अकबर भी जानता था कि सुगम मार्ग की स्थापना किया जाए, उसी के माध्यम से गुजरात के बंदरगाहों तक जाया जा सकता है। और जो उसका साम्राज्य विस्तार करने का मुख्य कारण था, जो दक्कन पर अधिकार करने के लिए राजपूत अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना आवश्यक था, जो दक्षिण की भारत की नीति था। दक्षिण भारत है अभी तक क्या है, सिर्फ अलाउद्दीन खलजी जो दक्कन तक पहुंचा था, यानी देवगिरी साम्राज्य तक पहुंचा था, वहां क्या था, अधिकार किया था, लेकिन दिल्ली से डायरेक्ट शासन नहीं होता था, उनको सत्ता सौंप दिया गया था, खराज के रूप में लिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही किया था, दूसरा जो सुल्तान बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही किया था कि वहां से स्थायित्व शासन करने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल हो जाता है। और यही प्रक्रिया में बादशाह अकबर भी करता है कि दक्षिण भारत क्या था, सबसे समृद्ध क्षेत्र रहता है, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र होने के कारण वहाँ अत्यधिक खनिज पदार्थ थे। और इसको विजय प्राप्त करने के लिए क्या है, राजपूतों से सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यदि सहयोग नहीं होगा तो दक्षिण विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए अकबर ने क्या किया, अकबर इन सबको अपने अधिकार क्षेत्र में करने का प्रयास किया गया। और ये क्या है, मुगल साम्राज्य का क्षेत्र है, यानी ये जो भारत का उस समय का मैप है। और क्या है, ये काबुल है, काबुल के रास्ते से किस प्रकार से काबुल कंधार होते हुए मुगलों ने क्या है, बाबर के समय इसी रास्ते से आए थे। और गजनी क्षेत्र और दिल्ली से गुजरात, यानी ये समुद्र मार्ग से किस प्रकार से व्यापार किया जाए, और दक्षिण भारत जाने के लिए सुगम मार्गों की स्थापना के लिए क्या है, अकबर राजपूतों से सहयोग करना अत्यंत समझता था, और उनको क्या है, एक विश्वास पात्र मित्र बन जाएंगे। इससे अकबर द्वारा जो बनाई गई नीतियों को क्या विशेषता थी, सबसे पहले क्या था, जो अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग थे, दुर्ग पर जब अधिकार हो जाएगा तो क्या है, अपने आप वहाँ के सैनिक उनके अधीन हो जाएंगे, जन आम जनमानस भी उनके अधीन हो जाएंगे, लेकिन उन पर शासन नहीं किया जाएगा। और जब दुर्ग पर अधिकार हो जाएगा तो अपने आप क्या है, इन पर अधिकार होने से क्या है, एक दुर्ग, यानी दुर्ग जो किला है, किले को क्या है, वहाँ सैनिक स्थापित होंगे और रख रखाव हो जाएगा, गोला बारूद अन्य क्षेत्रों का अधीनता स्वीकार। दूसरा क्या था, अधीनता स्वीकार करने वाले एवं विवाह संबंधों को इच्छुक राजाओं को क्या है, अपनी अधीनता में लेना और मुगल सेवा को लेकर उनके राज्य उनके आप वापस कर देना। यानी जिस प्रकार से क्या था, अलाउद्दीन खलजी दक्षिण विजय प्राप्त किया था, उनके साम्राज्य वापस कर दिया था, जजिया कर और टैक्स लेता था वार्षिक, उसी प्रकार से अकबर भी यही नीति का पालन किया कि राजपूतों को सत्ता स्थापित कर लेना है और उनको राज्य वापस कर देना है। इससे क्या है, राजाओं में क्या है, एकता भी बनी रहेगी और मुगलों के प्रति सहानुभूति दिखाई देने लगेगा। और इस चरण में जो तीसरा है, तीसरे चरण में क्या है, विरोधी राजाओं को युद्ध करके उन्हें अधीनता में लेना, यानी यदि मित्रता के और वैवाहिक संबंध से राज्य नहीं शामिल हो रहे हैं तो अंतिम उपाय क्या था बादशाह अकबर के पास, मात्र क्या है, युद्ध के माध्यम से उनको अपने राज्य में सम्मिलित करना। और इसी नीति को पालन करते हुए अकबर की राजपूत नीति के विकास के कई चरण थे, मुख्यतः तीन चरण थे। प्रथम चरण में क्या है, अकबर की राजपूत नीति 1560 ईस्वी से लेकर 1567 ईस्वी तक चलता है। इस काल में क्या था,
पेटीकोट शासन से वो क्या है मुक्त हो जाता है। जो महाअंगना थे उसके अधीन पहले 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी बैरम खान के अधीन करता था। बैरम खान से जब छुटकारा मिल जाता है 1560 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद, वो अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में, बादशाह के रूप में दिखाई देने लगता है। और प्रथम चरण में राजपूतों के प्रति उदार नीति और सहिष्णुता का काल था। इस काल में क्या था, अकबर जानता था इनसे युद्ध करेंगे तो अन्य राजपूत लोग क्या है सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, अपने को क्या है उदार बनाया। यानी जो एक, सब कहते हैं कि मुस्लिम जो एक मुगल बादशाह, ये लोग क्या थे, मुस्लिम थे, उज्बेक थे, तो ये लोग अपने को क्या है नरम बनाए, उदार बनाए, नहीं भाई आइए हम आपका सम्मान करेंगे। तो उसी नीति का पालन करते हुए सहिष्णु, यानी सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार देना, यानी आप, यानी रोजा रखना है, आप हिंदू हैं मंदिर जा सकते हैं, यानी इसमें कोई भेद बादशाह नहीं किया अकबर। और यही अकबर जानता था कि मुस्लिम और हिंदू को मिलाकर ही साम्राज्य को स्थायित्व किया जा सकता है। और इस काल में अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों को क्या है वफादार अपना मित्र बनाया। यानी जो युद्ध के माध्यम से नहीं, अपने स्वयं को अधीनता स्वीकार कर लिए मुगल बादशाह अकबर का, तो वो क्या बन गए, सबसे वफादार मित्र बन गए। इसके पहले अभी क्या है, मुगल बादशाह में अमीर के पद पर उज्बेक मुस्लिम लोग थे जो उनको क्या है अकबर को संदेह दृष्टि से देखते थे। अकबर भी जानता था कि उज्बेकों के बल पर ही पूरा भारत विजय नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अपने पूर्वजों के साथ जो आए थे उनको न कर भारत के लोगों को यहाँ महत्व दिया जाने लगा। और अनेक राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, अकबर जानता था यदि युद्ध नहीं वैवाहिक संबंध, ये क्या है महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक दूसरे परिवार का संबंध स्थापित होता है और इसमें क्या है आपस में लगाव हो जाता है, तो वो क्या है वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और अकबर क्या है 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पे जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, और वो क्या है दिल्ली से अजमेर के लिए निकलता है। उसी समय यह सूचना मिलती है, और जब अजमेर से वापस आ रहा था तो भारमल कछवाहा राजपूत था, वो क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। 1562 ईस्वी में राजा भारमल अपनी पुत्री का विवाह बादशाह के साथ कर दिया जाता है। और अकबर का यह, अकबर और राजपूतों का पहला मुख्य कार्य सम्मिलित होता है, और इसमें क्या है ये महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और इस काल में क्या है 1562 ईस्वी में क्या है दास्ता से मुक्ति दिया जाता था। यानी अभी तक जो युद्ध में पराजित हो जाते थे उनको अपने अधीन कर लिया जाता था, उनको अब क्या है गुलाम नहीं बनाया जाएगा। इसके पहले क्या है दिल्ली सल्तनत से लेकर अब तक क्या है 1562 ईस्वी तक जो युद्ध में पराजित होते थे सैनिक और अन्य व्यक्ति, उनको क्या बना लिया जाता था गुलाम। बादशाह ने कहा ये कदापि नहीं होगा, तो इसने क्या किया 1562 में दास्ता से मुक्त कर दिया। सभी लोग स्वतंत्र हैं और अधीन रहेंगे मुगलों के ही। और मेवाड़ के राज्य, जो मेवाड़ का राजपूताना घराना था, राजपूत लोग थे वो क्या थे सशक्त थे, बहुत शक्तिशाली थे, तो राज्य को थोड़े प्रतिरोध के बाद वो क्या है उसे भी अकबर ने विजय प्राप्त कर लिया। और इस काल में राजाओं से अपेक्षा रखी जाती थी कि वे अपने राज्य, यानी जो राज्य था अकबर के अधीन सम्मिलित हो गए थे, वो क्या किया आसपास के मुगलों की सेवा करे। यानी जब बादशाह जाएगा उसके साथ सैनिक जाएंगे, वहाँ क्या है वो स्थायित्व राजधानी बन जाए, उनका सेवा करना दायित्व हो जाता था। सैनिकों को सुरक्षा देना, आम प्रजा का सुरक्षा देना, ये क्या है वहाँ के राजाओं के ऊपर निर्भर हो जाता था। तो इस प्रकार से अकबर के क्या है प्रथम चरण में ये काल महत्वपूर्ण माना जाता था। और इसी काल में 1563 ईस्वी में क्या है
तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया जाता था। जो कहा जाता है कि संशूर्ण नीति का पालन किस लिए करता है, जब तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया। पहले क्या था, यदि बनारस कोई गया मथुरा जाता था तो क्या है, तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था गैर हिंदुओं गैर मुस्लिमों को, यानी जो हिंदू लोग थे। तो इससे क्या हुआ, अकबर ने सबसे पहले क्या किया, दास्ता से मुक्ति दिया 1562 ईस्वी में, 1562 में वैवाहिक संबंध, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है, और उसके बाद 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त कर देता था, कि यानी किसी भी राज्य में रहना है तो टैक्स देना पड़ता था अपने सुरक्षा के एवज में, तो वो भी समाप्त कर देता है। और जब अकबर की द्वितीय चरण प्रारंभ होता है राजपूत नीति, इस चरण में क्या है, अकबर का द्वितीय चरण में 1567 ईस्वी से लेकर 1577 ईस्वी तक चलता है, और इस काल में 1565 ईस्वी से लेकर लगभग उज्बेकों के दमन में लगा देता है। उज्बेक क्या है, शक्तिशाली हो जाते हैं, आगरा जौनपुर रायबरेली आधुनिक जो रायबरेली है यहाँ पर क्या है, उज्बेकों का दमन अत्यधिक बढ़ जाता है। तो उज्बेकों को दमन करने के लिए अकबर महत्वपूर्ण नीति का पालन करता है, और 1567 ईस्वी में अकबर स्वयं उज्बेकों को दमन कर देता है आक्रामक नीति अपनाकर, यानी उज्बेक भी समाप्त हो जाते। जब उज्बेकों को समाप्त करने के बाद 1568 ईस्वी में जो मेवाड़ सबसे शक्तिशाली शासक था महाराणा प्रताप, जो ये है महाराणा प्रताप के अधीन क्या था, मेवाड़ का शासक था और वो शक्तिशाली राज्य था, तो 1568 ईस्वी में मेवाड़ पर अधिकार क्या है, आक्रमण किया जाता है, और मुगल बादशाह अकबर भी जानता है कि इस पर विजय प्राप्त करना असंभव था, बहुत कठिन था, तो इसलिए क्या है, कठिन संघर्षों के बाद राजधानी तथा चित्तौड़ के किले को विजय प्राप्त कर लेता है। जो ये चित्तौड़ का किला है, चारों तरफ क्या है पानी है, और चित्तौड़ बहुत ऊंचाई पर बनाया गया, और यह महत्वपूर्ण किला था, इस पर विजय प्राप्त करने से क्या है, राजपूतों की जो एकता था धीरे धीरे समाप्त होने लगी, मुगलों के प्रति स्थायित्व आने लगा। 1569 ईस्वी में क्या किया, अकबर ने कालिंजर पर अधिकार कर लेता है, और कालिंजर पर अधिकार होने के बाद इसका साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार होने लगता है, और राजपूतों के ही सहयोग से, और 1567 ईस्वी में मारवाड़ यानी जो मारवाड़ के राजा थे बिना संघर्ष किए ही, यानी वो जैसे मेवाड़ युद्ध किया संघर्ष चलता रहा, लेकिन मारवाड़ क्या किया 1570 ईस्वी में बिना संघर्ष के मुगलों को क्या किया, किला मुगलों को सौंप दिया गया। और इस प्रकार से इस समय वहां का राजा कौन था, राजा मान सिंह को अनेक क्षेत्रों में मुगल अभियान के लिए भेजा गया, यानी जो मुगल साम्राज्य था वहां अमीर वर्ग थे, अमीर वर्ग के पद पे राजा मान सिंह को भी नियुक्त किया गया था, और सेना नायक सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया, राजा मान सिंह को 5000 का मनसब दिया गया था, और वो क्या है अनेक युद्धों और क्षेत्रों में क्या है अकबर के साथ, और स्वयं गया यहाँ पर अभियान के लिए। भगवंत सिंह सदैव अकबर के साथ रहता था, जो मुगल बादशाह अकबर था उसके साथ कौन रहता था हमेशा, भगवंत सिंह सदैव रहता था, उसको भी क्या है अमीर वर्ग के पद पर नियुक्त किया गया, मनसब दिया गया था। भगवंत सिंह की बहन तथा सलीम की माँ, जो सलीम आगे चलकर 1627 ईस्वी में जहांगीर के नाम से, 1605 ईस्वी में जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है, तो सलीम यानी जहांगीर की माँ कि जब मृत्यु हो जाती है शोक मनाने के लिए अंबेर भेज दिया जाता है, किसको, भगवंत सिंह को, कि आपके बहन का मृत्यु हो गया है, यानी जो अकबर का अकबर की पत्नी थी बीवी थी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवंत सिंह को कहाँ भेज दिया जाता है, आमेर भेज दिया जाता है शोक मनाने के लिए। और उसके बाद रणथंभौर के राजा यानी जो रणथंभौर के राजपूत लोग थे, राव सुरजन सिंह हाड़ा और शेखावटी ने क्या किया, रास साल दरबारी में भी गुजरात अभियान के लिए सक्रिय रूप से भाग लिए, यानी जो रणथंभौर था यानी राजस्थान का जो सबसे पश्चिमोत्तर सीमा था,
रणथंभौर वो भी क्या था, शक्तिशाली था, जोधपुर यानी जो जोधपुर के क्षेत्र में रणथंभौर आता है। तो गुजरात अभियान के लिए जब अकबर जाता है, ये लोग अकबर के साथ सूरज सिंह हाड़ा और शेखावटी ये सब क्या है, साथ में भाग लेते हैं विजय प्राप्त करने के लिए। तो इस काल में मुगलों ने क्या है, मुगल साम्राज्य वफादार हो जाते हैं, किसके, बादशाह अकबर के वफादार हो जाते हैं, खासतौर से मुगलों के। और मित्रता होने के साथ ही क्या है, बाजू की तलवार में भी उभरते रहे, यानी जो राजपूत लोग थे क्या है, कुछ शक्तिशाली भी होते गए, कुछ मुगलों के अधीन होते गए। इसी में क्या है, 1576 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है मेवाड़ के राजा किससे, महाराणा प्रताप सिंह से, जो हल्दी घाटी की युद्ध के नाम से बहुत प्रसिद्ध होता है। और यह क्या था, मुगल बादशाह और महाराणा प्रताप, और इसमें क्या है, राजा मान सिंह भी क्या है, भाग लेते हैं। राजा मान सिंह जो चित्र दो में दिखाई देते हैं, राजा मान सिंह है ऊपर, महाराणा प्रताप। तो ये क्या, राजा मान सिंह क्या है, मुगलों का नेतृत्व करते हैं, यानी एक हिंदू किसके प्रति, हिंदू के प्रति ही। तो अकबर हल्दी घाटी में विजय प्राप्त करता है और राजा मान सिंह की शक्ति भी बढ़ जाती है। और अकबर का जो तृतीय चरण था, मुगल राजपूत और अकबर का, तो इस चरण में क्या था, अनेक कार्य होते हैं। और इसी के साथ क्या, दक्षिण विजय भी अभियान निकल जाता है। तो इससे क्या हुआ, द्वितीय चरण में तृतीय चरण में 1568 ईस्वी में, इस चरण में क्या है, अकबर क्या है, अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लेता है, यानी अब राजपूत लोग भी उसके अधीन हो गए थे और उज्बेकों का भी दमन हो गया था, जो जितने जहाँ से भी था क्या है, सभी अब क्या है, मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार होने लगे। तो इस चरण में क्या दिखाई देता है, अकबर क्या करता है, अकबर जो उलेमा वर्ग थे, उलेमा वर्ग की शक्तियाँ हमेशा महत्वपूर्ण था, धार्मिक मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करते थे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल बादशाह, मुगलों के काल में उलेमा की शक्तियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे क्या है, उलेमा पहली बार क्या है, उलेमा वर्ग कुतुब इल्तुतमिश को कहते हैं कि इसे दारुल इस्लाम बनाया जाए, लेकिन वो जानता है कि यहाँ हिंदू हैं, ये अरब नहीं है। तो उलेमा की शक्तियाँ उसी समय बढ़ने लगती है, बलबन के भी समय में दिखाई दे, लेकिन अलाउद्दीन खलजी के समय उलेमा वर्ग को क्या कहता है, नहीं, राज्य और धर्म अलग अलग है, राज्य धर्म के रूप में सर्वोच्च है, धार्मिक रूप से नहीं चलाया जा सकता है। उसी प्रकार अकबर भी अब क्या करता है, अभी तक क्या है, 1556 ईस्वी से लेकर 1568 ईस्वी तक उलेमाओं के अधीन ही निर्णय और कार्य करता था। जब सुला कुल की नीति इबादत खाना की स्थापना कर देता है, सभी धर्मों को समान रूप से कि आप इसमें सभी लोग, चाहे ईरानी जैन हो, पर्शियन हो, सिख हो, हिंदू हो, सभी को क्या है, समान रूप से इबादत खाने में आने का इजाजत हो गया। और इसी मजहर की घोषणा कर देता है, यानी अब बादशाह के ऊपर कोई उलेमा नहीं रहेगा। उलेमा क्या है, हमेशा कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, कट्टरपन की दिखावा करते थे कि नहीं, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए कट्टरता होना आवश्यक है। अकबर भी जानता था, यदि ज़्यादा कट्टर होंगे तो ये क्या है, अरब नहीं है, ये क्या है, भारत है, कई समुदायों का देश है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उस समय धर्म थे। जहाँ यूरोप में क्या है, यूरोप में युद्ध हो रहे थे, आर्थिक कलह चल रहे थे, वहीं 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में क्या था, समानता का पाठ पढ़ाया जा रहा था और सुदृढ़ीकरण, यानी सभी समान रूप से कार्य कर रहे हैं, यानी विश्व में क्या है, दिखाई देता है भारत एक समृद्ध देश बन रहा है अकबर के शासनकाल में। तो इस प्रकार से धार्मिक मामलों में जो अभी तक उलेमा का सर्वोच्चता था,
अब वो 1568 ईस्वी में क्या करता है, समाप्त कर देता है। कौन? मुगल बादशाह अकबर। और यही क्या है 1605 ईस्वी तक दिखाई देता है कि नहीं, 1668 ईस्वी के बाद पुनः वो क्या है, उलेमाओं को अपने बात मानने लगता, नहीं कहता है कि अब ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो उसने क्या किया, उलेमाओं को धार्मिक मामलों में क्या है, सर्वोच्चता से हटा दिया। अब क्या है, बादशाह ही स्वयं निर्णय करेगा। बादशाह किसके प्रति कौन सा निर्णय करेगा, वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अब उलेमा का इसमें कोई कार्य नहीं रहेगा। और इस चरण के जो तृतीय चरण के अंतिम चरण में जो राजपूत राज्य थे, राजपूत राज्य भी समझ गए थे कि अब क्या है, मुगलों के प्रति विद्रोह करना और युद्ध करना घातक सिद्ध होगा। तो उसने क्या है, बड़ी समझदारी के साथ क्या किया, राजपूतों के राज्य को उभरने नहीं दिया। और जो उमरा वर्ग, अमीर वर्ग की जो संरचना थी उस समय, उमरा वर्ग के प्रति संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरने दिया। अभी तक क्या है, उमरा वर्ग क्या था, अमीर वर्ग में यही लोग रहते थे कि सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे। तो वे क्या है, अकबर जो था मुगल बादशाह, वो अकबर उसके द्वारा क्या सभी को उसमें सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया। अभी तक क्या था, ईरानी और तुरानी उज्बेक ही अमीर वर्ग में सम्मिलित होते थे। और अकबर की जो तुरानी अमीर थे, तुरानी मतलब जो बाहर के लोग थे अमीर, ये भारत के मुस्लिम नहीं थे, ये बाहरी मुस्लिम थे। तो उनको क्या है, अकबर की जो तुरानी अमीरों की अपेक्षा, किससे, राजपूतों को बड़े मनसब प्राप्त प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। ये क्या है, संशय के दृष्टि से अकबर बादशाह को देखते थे, बादशाह इनको संशय के दृष्टि से देखता था। ये लोग क्या है, सिर्फ अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए लगे थे, उच्च पद प्राप्त हो जाए, साम्राज्य में कोई इनका महत्व कार्य नहीं होता था। ये क्या, गुटबंदी करने का प्रयास करते थे। तो इसीलिए अकबर जानता था कि भारत में यदि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना है तो उनको क्या है, सबसे पहले जो अमीर वर्ग, तुरानी, उज्बेक, इन सबको क्या है, कम महत्व देना है, अधिक, इसके पहले क्या है, यही लोग सबसे महत्वपूर्ण पदों पर थे। अब क्या है, राजपूतों को भी बड़े पद पर मनसब प्रदान किया जाने लगा। जैसे शहजादों को 10,000 तक मनसब दिया जाने लगा, 12,000, उसी प्रकार अन्य जो अमीर वर्ग के पद पर नियुक्त हुए मनसब, जैसे राजा टोडरमल को 5,000 का मनसब दिया जाने लगा, और राजा मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया गया। तो ये क्या है, राजपूतों को उच्च मनसब दिया जाने लगा, यानी जब उच्च पद पर दिया जाने लगा तो राजपूत लोग भी क्या किए, और अन्य हिंदू लोग क्या किए, मुगलों के प्रति क्या है, वफादार होना प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, अकबर की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और शक्तियों के बढ़ने से क्या है, सिर्फ शक्तियां ही नहीं, उसका साम्राज्य भी विस्तार होता चला गया, कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक और गुजरात से लेकर असम तक के क्षेत्र का है विस्तार होता चला गया। तो अकबर के राजपूत राजवंशों के साथ शहजादा सलीम तथा दानियाल का भी विवाह होता था, यानी जो अभी तक क्या है, स्वयं बादशाह 1562 ईस्वी में विवाह किया, इसके बाद अन्य कई राजपूत कन्याओं से विवाह किया बादशाह अकबर ने। जब सलीम जब बड़ा हो जाता, शहजादा सलीम जो क्या था, मुगल बादशाह का अगला वारिस था, यानी अगला बादशाह बनेगा, तो जो शहजादा सलीम और दानियाल था उनका भी क्या है, बादशाह अकबर क्या किया, राजपूत राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। इससे क्या है, मुगल साम्राज्य और सुदृढ़ हो गया, शक्तिशाली हो गया, कि अब राजपूत जो लोग थे कि बैर की भावना से देखते थे, वो भी धीरे धीरे अब समाप्त होने लगा, हिंदू मुस्लिम समन्वय की नीति पर एक पद पर आने लगे। तो इससे क्या हुआ, अकबर के शासनकाल के जो शेष काल बचा था 1568 से लेकर 1605 ईस्वी के शासनकाल के, राज्य के हिस्सेदार और जो बाजू की
तलवार, यानी जो तलवार के बल पर जीता गया था उसे भी, और राजपूतों की स्थिति और मजबूत हुई, यानी किसमें, मुगल साम्राज्य के प्रति मजबूत होती है, यानी जो उनका राजस्थाना क्षेत्र था उनकी भी स्थिति मजबूत होने लगी कि आपकी भी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन किसके प्रति वफादार होंगे, राजपूत मुगलों के ही प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि उनको अमीर वर्ग के पद पे दिया जा रहा है, जहाँ बादशाह के बाद शहजादा और अन्य अमीर वर्ग रहते थे उनको दिया जा रहा है। 1585 और 1586 में राजपूतों की, जो राजपूत लोग थे, लाहौर, काबुल, आगरा और अजमेर के संयुक्त सूबेदार के रूप में नियुक्ति होने लगे, यानी जो अभी तक क्या है, जितने भी चाहे दिल्ली सल्तनत हो या पूर्ववर्ती मुगल हो, वो क्या थे, अभी तक किसको नियुक्त करते थे सूबेदार के पद पर, मुस्लिम लोगों को ही, उज्बेक सरदारों को और तुरानी सरदारों को ही क्या है नियुक्त करते थे। लेकिन अब अकबर ने क्या किया, जब वैवाहिक संबंध और इनका संबंध और मजबूत हो गया, मित्रता हो गई, तो सबसे पहले क्या है 1585-86 में सूबेदार के पद पर, जो सूबेदार होता है उसी के नेतृत्व में क्या है युद्ध किया जाता है, किलेदार बनाए जाते थे, यानी जो किले को विजय प्राप्त हुआ कि इस फला व्यक्ति को इस किले का किलेदार बनाया गया, अब उस किले का वो मरम्मत करवाएगा, सुदृढ़ी करवाएगा, सैनिकों का वेतन दिया जाएगा और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों की क्या है उसी सूबेदार के माध्यम से, किलेदार के माध्यम से सुरक्षा भी किया जाएगा और फौजदार भी बनाया जाता था, यानी राजपूतों को अभी तक क्या है फौजदार के रूप में नहीं नियुक्त किया जाता था। अब क्या हुआ, मुगल बादशाह अकबर ये जान गया कि भारत में स्थायित्व, मुगल साम्राज्य की स्थापना करना है, तो उसको सबसे पहले राजपूतों को हर क्षेत्र में क्या है उनको पद देना पड़ेगा और तुरानियों को कम महत्व देना पड़ेगा। तो इसीलिए अकबर ने इसी नीति का पालन करता है। और यहाँ उलेमा वर्ग क्या करते हैं, यही उलेमा जो हैं वो इनका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अकबर अपने को क्या करता है 1578 तक सर्वोच्चता का स्थापित कर लेता है, यानी उलेमा अब उनके बात को न मानकर जो कहेगा बादशाह ही सर्वोच्च है। तो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए जब धार्मिक मामलों का ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगता है वो साम्राज्य नहीं चल पाता। जैसे फ्रांस का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा विस्तृत साम्राज्य था, लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां और लुई 16वें तक आते आते 1789 में क्या है पतन के कारण समृद्ध प्रारंभ हो जाते। उसी प्रकार अकबर ये नहीं चाहता था कि जहाँ यूरोप क्या है आर्थिक कलह गृह युद्ध से चल रहा है, वहीं भारत क्या है सुलह की उल और मित्रता के साथ साम्राज्य विस्तार किया जा रहा है और समृद्ध साम्राज्य हो रहा है। आगे चलकर देखा जाता है कि यही कहा जाता है विंसेंट स्मिथ और जदुनाथ सरकार कहते हैं, अब जो औरंगजेब रहता है 1658 से लेकर 1707 तक क्या है वो शासन करता है, प्रथम चरण में तो सही रहता है, द्वितीय चरण में वो कट्टरता का रूप ले लेता है, उलेमाओं की बात मानने लगता है और अपने को क्या जजिया कर ये सब कर, तो उसको क्या है वहाँ पर उसका साम्राज्य पतन की ओर। तो अकबर ये नहीं किया, अकबर पहले से क्या है कि नहीं हिंदू जैन सिख ईसाई सभी को सम्मिलित किया जाए। तो सबसे पहले राजपूतों को क्या है सम्मिलित करता है। लाहौर क्या था, लाहौर क्या था एक महत्वपूर्ण मार्ग भी था और किला भी था, जो उत्तर पश्चिमोत्तर काबुल के मार्ग से लाहौर के ही माध्यम से, लाहौर और पेशावर के माध्यम से ही क्या किया जाता था व्यापार होता था। और लाहौर के किले पर क्या है सूबेदार किसको बनाया जा रहा है, राजपूतों को बनाया जा, जो हमेशा क्या है पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र से क्या है युद्ध को किया जाता था, उसको क्या है मजबूती दिया जा रहा है किसके द्वारा, बादशाह अकबर के माध्यम से। तो इस प्रकार से क्या है लाहौर के महत्वपूर्ण पद पर
नियुक्त किया जाता है। काबुल भी क्या है, काबुल भी क्या उत्तर पश्चिमोत्तर सीमा से मार्ग आने का महत्वपूर्ण था व्यापारिक केंद्र के लिए, और जो अन्य मार्गों से युद्ध होता था उसको रोकने के लिए। मुगलों के साम्राज्य में क्या है, लाहौर काबुल सम्मिलित हुआ। आगरा जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, जो उस समय क्या है महत्वपूर्ण क्या था, व्यापारिक मार्ग भी था, क्षेत्र भी था, उपजाऊ क्षेत्र था, और यहाँ से क्या है दक्षिण भारत जाने के लिए मार्ग भी था। और अजमेर, अजमेर क्या था, वहाँ ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भी था, व्यापार बहुत बड़ी व्यापार मंडी भी लगती थी। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण राजा मानसिंह को क्या है 7000 का मनसब प्रदान किया गया। ये क्या पहले क्या शहजादा को, यानी जो बादशाह के बाद उसका बेटा होता था शहजादे को, उसको दिया गया, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ती गई 10000 तक 12000 तक पहुंच गई। तो राजा मानसिंह को क्या है 7000 का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से राजपूत राज्य क्या है साझेदारी के रूप में स्थायित्व हो गया, यानी जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के स्थायित्व होने से क्या है मुगलों और राजपूतों का संबंध भी मजबूत हो गया, और भारत में मुगल साम्राज्य क्या है समृद्ध होने लगी। इस प्रकार यह देखा जाता है पूरे साम्राज्य में, यानी 1556 ईस्वी से लेकर 1605 प्रथम जो उसका चरण था, 1556 से 1660 ईस्वी जो बैरम खान के नेतृत्व में लड़ता था, उस समय अकबर क्या था बहुत कम उम्र का था, 13 से 14 वर्ष तक था, लेकिन बैरम खान से जब छुटकारा मिल जाता है तो उसके बाद स्वतंत्र रूप से शासन करता है, तो राजपूतों को अपने प्रति मिलाता है और साम्राज्य को विस्तार करने लगा। और 1578 ईस्वी में क्या है मजहर का घोषणा कर देता है, जो उलेमा को क्या है साम्राज्य में हस्तक्षेप से मना कर देता है, जो निर्णय लेगा बादशाह। तो इन्हीं सब परिणामों के माध्यम से क्या है उसका साम्राज्य विस्तार होता है, जजिया कर समाप्त करता है, जजिया कर 1564 ईस्वी में। तो राजपूतों की नीति, राजपूत राज्य मुगलों के अधीनस्थ राज्य हो गए, कैसा, अब क्या है चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे वैवाहिक संबंध से, चाहे मित्रता के रूप में क्या किया, एक मुगलों के प्रति अधीन हो गए, लेकिन वो क्या है शासन करेंगे, शासन वही लोग करेंगे, लेकिन अधीनता किसकी रहेगी, राजपूतों की अधीनता किसके प्रति रहेगा, मुगल बादशाह के प्रति रहेगा। मुगलों को भारत में सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवाएं प्राप्त हो गई, यानी जो कहा जाता है कि चाहे जब तुर्क आते हैं, तुर्कों को विजय का मुख्य कारण क्या था, राजपूतों में एकता का अभाव था। दिल्ली सल्तनत तक ये नहीं दिखाई देता है कि राजपूत यदि एकता रहती तो भारत में क्या है तुर्क सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। और उसी प्रकार यह देखा जाता है कि जब अफगान लोग भी क्या है एकता का अभाव दिखाई देता है, तभी तो बाबर क्या है भारत में विजय प्राप्त करता है। यह क्या है बाबर अपने ग्रंथ तुझके बाबरी, यानी जो बाद में बाबरनामा में अनुवाद हुआ अरबी से फारसी भाषा में। तो अकबर भी क्या है अपने शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का क्या है और तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद कराना प्रारंभ कर दिया, चाहे रामायण का हो महाभारत का, सब इसी समय क्या है अनुवाद भी किया जा रहा है। यानी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है हिंदुओं को, जैसे उसके दारा सिको स्वयं क्या है इस अनुवाद विभाग में रहता था, अनुवाद किया। और इस प्रकार मुगलों को भारत में सबसे महत्वपूर्ण योद्धा मिल जाता है। राजपूतों के अपना राज्य वतन जागीर के रूप में प्राप्त हो गया, यानी जो राजपूत लोग थे क्या है वो मुगलों को अपना राज्य सौंप देते हैं, लेकिन क्या वतन जागीर के रूप में राज्य उन्हीं का रहेगा, सिर्फ उनको क्या है कर दिया जाएगा। मुगल साम्राज्य में वार्षिक कर निश्चित कर दिया कि आप कर पहुंचाते रहिए, शासन करिए। तो इसी को कहा जाता है वतन जागीर के रूप में प्राप्त हो गया। और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद होते थे, प्रशासनिक पदों पर आसीन होने का अवसर भी मिला। अभी तक क्या है राजपूतों को कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, ये किसके शासनकाल में, मुगलों में, खास तौर से
अकबर के शासनकाल में दिखाई देता है। अन्य राज्यों में प्रतिष्ठा और सामाजिक गरिमा की भी प्राप्त हुआ। यानी अभी तक क्या है, जो राजपूत लोग थे, राजपूत लोग ही अन्य लोगों अन्य क्षेत्रों में क्या था, नहीं यह पद प्राप्त था। लेकिन जैसे ही मुगल बादशाह अकबर के अधीनता स्वीकार करते हैं, चाहे दक्षिण भारत हो, काबुल, लाहौर, पेशावर, अन्य क्षेत्रों में जो राज्य थे उनके अधीन क्या थे, इनको सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा भी महत्वपूर्ण पदों पर प्राप्त हुए और हिंदुओं को प्रति अपने वफादार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। लेकिन मुगलों के परम सत्ता का दावा करने लगे, आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ। यानी जो राजपूत लोग अधीन हो गए तो अनेक क्षेत्रों से, राजपूताना राज्य से, जो पूरा राजस्थान क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश क्षेत्र है, ये सब क्या है, पेशावर, ये जब सम्मिलित हो जाते हैं तो साम्राज्य की आर्थिक आय ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। यहाँ इरफान हबीब और अन्य बड़े बड़े इतिहासकार भी कहते हैं कि और मुगल आर्थिक व्यवस्था उस समय सबसे महत्वपूर्ण हो गई थी, समृद्धि हो गई थी और राजपूतों को विदेश नीति पूर्णतः मुगलों के हाथ में आ गई थी। मुगलों को भी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी में इनको भी दावा होने लगा। यानी अब ये भी निर्णय लगे कि जो उज्बेकों से कैसा संबंध बनाया जाए, काबू डच लोग इनसे क्या है, कैसे संबंध वैदेशिक यानी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाया जाए, ये क्या है, मुगलों के हाथ में आ गई थी। अकबर अपने शासनकाल में परम सत्ता मुगल अवधारणा से देश में क्या है, जो उस समय की 16वीं शताब्दी थी, परम सत्ता मुगल क्या है, पूरे देश में शांति स्थापित हो गया और विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया था, जो यूरोप में नहीं दिखाई दे रहा था। यूरोप में अनेक युद्ध चल रहा था लेकिन भारत में ये परम सत्ता और मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे क्या है, मुगल साम्राज्य समृद्धि दिखाई देने लगता है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 15 सूबे का स्थापना हो जाता है। तो ये क्या है, पूरे राजपूत नीति का किस प्रकार से संबंध स्थापित हुआ और यदि राजपूत संबंध स्थापित नहीं होता तो मुगल साम्राज्य स्थायित्व नहीं हो पाता, ये पूरे अपने इस क्लास में दिखाने का प्रयास किया गया। उन्हीं के माध्यम से ही क्या उच्च पद दिया जा रहा है, विदेश नीति में भी उनका और मनसब भी दिया जा रहा है, 7,000 कहीं 5,000। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अकबर को एक विश्वस्तकारी मित्र प्राप्त हो जाते हैं और राज्य प्राप्त हो जाते हैं। जो छोटे छोटे राज्य थे अब वो मुगलों के अधीन में हो जाता है और मुगल साम्राज्य एक विस्तार रूप से हो जाता है। तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।